इससे पहले भी सांसद कौन से ग्राम लक्ष्मीपुरा में जो रोड बनाया गया छह माह पहले, उसमें ठेकेदारों को जहाँ जितनी जगह मिली जहाँ ही नगर परिषद का JN काम करके उसी को वेरीफाई नहीं कर सकता। जब मैं उसको जांच नहीं करूंगा तो वो प्रमाणित कैसे होगा? यही नहीं, मानसिंह मीणा ने मेरे मोहर पर साइन करके लाखों रुपए के भुगतान करा दिए। उसके ऑर्डर कभी तो एक्शन साहब करते हैं, कभी ऑर्डर उसके सभापति महोदय करते हैं। तो मैंने इसकी लेटर मैंने श्रीमान मुख्य अभियंता महोदय को लिखा है। मैंने लिखा है कि उपयोग विषय से निवेदन है कि नगर परिषद 12 में सहायक अभियंता के पद पर 2014 से कार्यरत हूँ। प्राय देखने में आया है कि मेरे अवकाश अवधि के दौरान मेरा चार्ज अधिसूचना को उच्च अधिकार द्वारा सौंप दिया जाता है। जिस आपके कह रहे हो सभापति के द्वारा भी चार्ज आज से करीब एक महीना पूर्व आयुक्त महोदय ने मुझे और फोन करके बुलाया कि आप चलिए और SBM योजना अंतर्गत निर्मित और निर्माणाधीन व्यक्तिगत शौचालयों का दिनांक 15 मार्च 2018 को प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक मैंने और आयुक्त महोदय ने स्वयं दौरा किया और भौतिक और निरीक्षण किया, जिसमें घटिया निर्माण पाया गया। तदुपरांत श्रीमान आयुक्त महोदय द्वारा मुझे संपूर्ण जांच करने के लिए जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया। 7 दिवस में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के मुझे निर्देश दिए गए। आदेश करने के उपरांत मेरे द्वारा SBM के सहायक अभियंता श्री सौरभ गुप्ता को संपूर्ण रिकॉर्ड सहित उपस्थित होने को कहा गया, परंतु उन्होंने मुझे SBM का किसी प्रकार का रिकॉर्ड नहीं सौंपा। फिर भी मेरे द्वारा गांव नलका, अम्मापुरा, लक्ष्मीपुरा में निर्मित व्यक्तिगत शौचालय का भौतिक और तकनीकी परीक्षण किया, जिसमें मुझे भारी भ्रष्टाचार और अनियमितता के ठोस प्रमाण मिले। इसकी सूचना मेरे द्वारा श्रीमान आयुक्त महोदय, श्रीमान सभापति महोदय, अधिशासी अभियंता महोदय और श्रीमान ब्रजमोहन सिंगल और SBM के प्रभारी श्री सौरभ गुप्ता को लिखित में जरिए पत्र क्रमांक 7539 दिनांक 21 मार्च 2018 को ही प्रेषित कर दी थी। इसके उपरांत भी मेरे पत्र को दबाकर आनंद फानंद में सभी शेष भुगतान कर दिए गए। इस महोदय आज भी ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट सहायक अभियंता द्वारा मांगी थी। आयुक्त महोदय को मैंने व्हाट्सएप के जरिए और 23 तारीख को भी लिखित में मैंने रिपोर्ट सौंप दी है। आयुक्त महोदय सरासर झूठ बोल रहे हैं। नगर परिषद का कोई सिस्टम होगा आप डाक के थ्रू? नहीं, आयुक्त महोदय ने मुझे कहा था कि आपकी रिपोर्ट जो है वो गोपनीय आनी चाहिए, गोपनीय होनी चाहिए। इसका मतलब किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। मुझे प्रेस करें, आप किसी और को पेश नहीं करें। इसी को मानते हुए मैंने गोपनीय रिपोर्ट केवल आयुक्त महोदय को दी। कितनी तारीख को दी थी आपने? मैंने 23 तारीख को दी थी, 23 मार्च को। सर भ्रष्टाचार किस तरह से किया गया? भ्रष्टाचार जो बिंदु भ्रष्टाचार इसमें भ्रष्टाचार में एक तो घटिया निर्माण हुआ। घटिया निर्माण में न तो उन्होंने प्रॉपर ब्लॉक का जो यूज किया, सीमेंट ब्लॉक का यूज नहीं किया, जो डबल पिट होने चाहिए थे एज पर SBM की गाइडलाइन, डबल पिट होना चाहिए जिसकी साइज होनी चाहिए 8x4x4, उसके स्थान पर केवल 3x3x2 का खड्डा, कच्चा खड्डा खोद कर उसे बंद कर दिया गया। उसमें WC निम्न स्तर की यूज की गई। उसमें दरवाजे लगे हुए हैं वो अत्यंत ही घटिया स्तर के हैं, जो हवा में भी टूट सकते हैं। उसमें जो काम ली गई सीमेंट है वो नाम मात्र की है। ईंटें अभी भी गिर रही हैं, ब्लॉक अभी भी गिर रहे हैं। और मेन बात यह है कि उसके ऊपर छत के ऊपर 2 पट्टियां रख दी गई है, उसके ऊपर कोई छत का निर्माण नहीं किया गया, जिससे वर्षा काल में इनका उपयोग नहीं हो पाएगा। और मैं जहाँ भी गया हूँ वहाँ पर शौचालय का उपयोग नहीं हो रहा है, वे शौचालय का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। उनके द्वारा उन्होंने बताया गया कि हम शौचालय का उपयोग नहीं कर पा रहे क्योंकि किसी काम के नहीं है और हम अब भी खुले में शौच जाने के लिए मजबूर हैं। शौचालय अत्यंत घटिया है। ठेकेदार निर्माण किया है, हाँ कोटला एक शौचालय की इन्होंने 14,800 रुपये की कीमत ठेकेदारों को दी। लेकिन ठेकेदारों को भी ऐसे ठेकेदार जो कभी ठेकेदार थे ही नहीं, जो रजिस्टर्ड ठेकेदार थे, अनुभवी ठेकेदार थे, उनको काम देने से साफ मना कर दिया। और अपने एक्शन ब्रजमोहन सिंह ने अपने चहेते आदमी जो कभी किसी तरह का काम नहीं किया था उनको बुला कर एक ही दिन में पंजीकृत करके किसी को 200, किसी को 500, किसी को 300 शौचालय बांट दिए। उन्होंने मन मर्जी से बिना किसी ड्राइंग डिजाइन के शौचालय निर्माण करके और एक शौचालय का 14,800 के हिसाब से भुगतान उठा लिया। मुझे ऐसा भी प्रतीत होता है, मैंने कई जगह ऐसा भी पाया है
कि एक ही शौचालय का चार या चार से अधिक एजेंसियों द्वारा भुगतान उठा लिया गया है। मैंने यह भी पाया है कि एक घर में अगर चार भाई रहते हैं तो एक घर में चार भाई रहने का मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ चार शौचालय बना दो। एक घर में एक शौचालय बनाओ लेकिन वहाँ पर एक चार भाई रहने के हिसाब से उन्होंने चार शौचालय एक लाइन में बना दिए और उसका भुगतान उठा लिया। ये सीधे तौर पर राज्य सरकार की राशि का दुरुपयोग है और इसमें सर ये बताएं आपकी जिस तरह से आपने सारा मामला बताया क्या सभापति की भी इसमें मिलीभगत है? सभापति की मिलीभगत तो अभी मुझे जांच में सामने नहीं आई है लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर जब इसकी संपूर्ण जांच की जाएगी तो इनका खुलासा होगा कि जो आदमी अभी ये काम कर रहे हैं जो ठेकेदार के रूप में काम कर रहे हैं वो किन के द्वारा लाए गए हैं, वो ठेकेदार कहाँ से आए हैं, किन के द्वारा लाए गए हैं तो आपका खुलासा हो जाएगा। लेकिन अभी सीधे तौर पर उनका नाम मैं नहीं ले सकता। मैं एक महीना हो गया, एक महीने बाद भी सभापति ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, ना आपकी सुनवाई की। ये मेरा कहना का मतलब मैं मुख्य रूप से कहना चाहता हूँ कि मैंने रिपोर्ट को दिए एक महीना हो गया लेकिन उसके बाद भी भुगतान कर दिया गया। आयुक्त महोदय ने कोई भी भुगतान नहीं रोका, सभापति महोदय ने कोई एक्शन नहीं लिया, सीमांत जिला कलेक्टर महोदय ने कोई एक नोटिस जारी नहीं किया, कमिटी नहीं बनाई। ये बहुत ही चिंता का विषय है और मैं इस मामले में अकेला पड़ गया हूँ। सभी लोग एक हो गए हैं और मुझे डराने की धमकियाँ दे रहे हैं, मुझे जान से मारने की धमकी मिली और उसके आहत होकर मैं अस्पताल में भर्ती भी हुआ और मुझे रेफर भी किया गया जोधपुर। उसके बाद भी जब मैं मेडिकल और सिक फिट पेश कर दिए आयुक्त महोदय को तो आयुक्त महोदय लगातार मुझे उल्टा ही लगातार रोजाना नोटिस देकर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं कि आपने बिना पूछे मुख्यालय कैसे छोड़ा, मुझे अभी तक रिपोर्ट नहीं मिली और मुझे शारीरिक मानसिक प्रताड़ना करते हैं। मैं मानसिक रूप से अवसाद का रोगी हूँ, हाई ब्लड प्रेशर का रोगी हूँ, शुगर का रोगी हूँ और मुझे हृदय रोग की बीमारी है। मैं इस जांच में अकेला पड़ गया, आयुक्त महोदय ने ही मुझे लगाया जांच में और 7 दिन बाद आयुक्त महोदय ने मुझे जांच से हटा दिया। मैं आयुक्त महोदय से पूछना चाहता हूँ कि आपने मुझे जब जांच पे लगाया तो मेरी जांच पूर्ण होने से पहले ही आपने मुझे जांच से किस दबाव में हटाया और आपने मेरी जांच पूरी होने से पहले ही क्यों भुगतान कर दिए? मैं आयुक्त महोदय से ये सवाल पूछना चाहता हूँ। आयुक्त इसमें साफ तौर पर संलिप्त है, आयुक्त ने मेरे जांच का कोई एक्शन नहीं लिया बल्कि भुगतान कर दिए और मुझे नोटिस दिए। आयुक्त महोदय ने मुझे ही लगाया और 7 दिन बाद भारी दबाव में मुझे जांच से हटा दिया। भ्रष्टाचार में मेन रूप से अधिशासी अभियंता श्री ब्रजमोहन सिंघल, SBM का प्रभारी श्री सौरभ गुप्ता और आयुक्त जनक सिंह सीधे तौर पर शामिल हैं और इनकी खुले जांच की जाए। ये सब ने मिलकर मुझे अकेला छोड़ दिया, मुझे धमकियां दे रहे हैं, मुझे रोजाना प्रताड़ना दे रहे हैं कि आप जांच से हट जाओ, मुझे धमकियां मिली आपको जांच से हट जाओ। आयुक्त महोदय ने कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टे मुझे ही नोटिस देने लगे। सीधे तौर पर मुझे प्रतीत होता है कि इस मामले में राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से जल्दी से कार्रवाई होनी चाहिए थी अभी तक कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ, यह मुझे बेहद अफसोसजनक लगता है और एक ईमानदार अधिकारी के नाते मैं यहाँ पर एज ए AN कार्य करने में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा हूँ और मैं अपने आप को सुविधाजनक महसूस नहीं कर रहा हूँ। यहाँ का माहौल बेहद भ्रष्टाचार और अनियमितकरण हो गया है और मुझे यहाँ से कार्यमुक्त किया जाए। मैं जिला कलेक्टर महोदय और श्रीमान निदेशक महोदय और उप निदेशक महोदय से निवेदन करता हूँ कि मुझे तुरंत यहाँ से हटाया जाए, यहाँ कार्य करने का माहौल नहीं है, सभी तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हर एक काम में जो बिल आ रहे हैं उस हर बिल में 15 से 20 मीटर तक का अधिक भुगतान किया जा रहा है। मैं कहाँ तक जांच करूँ, किसी में 55,000 का अधिक भुगतान किया जा रहा है, किसी में 60,000 का अधिक भुगतान किया जा रहा है। मैं हर बात को पकड़ रहा हूँ, हर बात को लिख दे रहा हूँ, उसके पश्चात भी वो उस गलती को मिटाने में लग जाते हैं, न कि गलती को सुधारने के लिए या उसको सजा देने के। उन सभी अधिकारियों को संरक्षण प्राप्त है, उच्च सस्ते मैं जो गलती पकड़ता हूँ उस गलती को वो मिटाने में लग जाते हैं, मुझ पर हंसते हैं और मुझ पर ये ताना कसते हैं कि कुछ नहीं होगा। अभी मैंने 2-3 मामले पकड़े थे, एक मामला आपने खुला था यहाँ 12 जिला प्रशासन।